दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये बजाज पल्सर 150 सीसी बाइक का पिस्टन है। पिस्टन देखिए यहाँ से काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। डैमेज होने का क्या कारण हो सकता है, कैसे इसका पिस्टन सीज हुआ है और इसका इंजन जो है वो जाम हो गया था, इस जाम होने का क्या कारण है वो हम वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं रवि प्रजापति आप अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों वीडियो में आज हम जो टॉपिक लाए हैं, हमारे पास है बजाज पल्सर 150 सीसी बाइक और इसमें हम आपको दिखाएंगे इसके इंजन सीज होने का क्या कारण हो सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए पिस्टन की जो हालत है वो काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। पिस्टन यहाँ से टूट चुका है, इसमें हेड का वाल घुसने के कारण पिस्टन इसका टूट चुका है। देखिए हेड वाल की अगर हम बात करें तो हेड वाल हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये बाइक का हेड है और हेड वाल की अगर हम बात करें तो ये हेड वाल यहाँ से टूटी है और ये इसके यहाँ का हिस्सा है जो काफ़ी बुरी तरीके से मुड़ चुका है और ये हिस्सा इसका पिस्टन में घुस चुका था। देखिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ऐसे करके ये पिस्टन से हमने बाहर निकाला है, यहाँ पर ऐसे करके ये टूटा हुआ हिस्सा इसका यहाँ पर फंसा हुआ था। हेड वाल के टूटने के कारण पिस्टन इसका जाम हुआ है और पिस्टन इसी कारण से टूटा है क्योंकि इसकी हेड वाल जो है वो काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। इसलिए इसमें हेड वाल को हमें चेंज करना होगा। हेड वाल के टूटने का जो कारण है वो हम आपको बताते हैं। हेड वाल के टूटने का जो कारण है वो है दोस्तों इसका टाइमिंग चेन के ज़्यादा लूज होने के कारण इसका हेड वाल जो है वो डैमेज हुआ है, क्योंकि टाइमिंग इसका लूज होने के कारण हेड वाल में झटका लगा और हेड वाल इसका डैमेज हुआ, इस कारण से इसका पिस्टन सीज हुआ है। ये देखिए यहाँ पर टाइमिंग चेन के लगने के कारण यहाँ से इसका सिलेंडर की पूरी तरीके से कट चुका है। टाइमिंग चेन ज़्यादा लूज होने के कारण हेड वाल इसका डैमेज हुआ और सिलेंडर किट में टाइमिंग चेन देखिए लूज थी, इसलिए पंप पर एक डिपली का वेल्ड कराया गया है। पंप पर एक डिपली का वेल्ड कराने के कारण टाइमिंग चेन फिर भी इसकी लूज रह गई थी, इस कारण से इसका जो इंजन है वो जाम हुआ है। क्योंकि इंजन ऑयल बाइक में कंप्लीट था, कंप्लीट इंजन ऑयल होने के बावजूद पिस्टन इसका सीज हो गया। दोस्तों जो बजाज पल्सर बाइक के इंजन सीज की फिटिंग का वीडियो था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन की घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।